अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ चिकन की बहुत ही डिलीशियस एक रेसिपी, जिसका नाम है चिकन अफगानी। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली चिकन तो आपने कई दफ़ा बनाया होगा, एक बार इसे भी बनाकर देखिए। बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर आता है और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही कम मसाले में बनकर ये तैयार भी हो जाती है। तो चलिए झटपट से अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो चिकन को ले लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने चिकन को साफ कर लिया था और इसके बाद मैंने इसमें 1 ढक्कन सफ़ेद विनेगर को डाल दिया है और साथ में डाल दिया है पानी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। तो ये विनेगर को डालने से जो हमारा चिकन की जो रॉयल स्मेल होती है वो भी चली जाती है और चिकन जो हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। चिकन को अब हम 10 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे, तब तक इनके मसालों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है धनिया 8 से 10 हरी मिर्च को, 1 टुकड़ा अदरक का, 2 लहसुन को, 2 प्याज को और साथ में ले लिया है पुदीना को। तो पुदीना मेरे पास फ्रेश नहीं था, मैंने सूखे पुदीने को ले लिया है। तो इन सभी मसालों को पीसकर हमें इनका बारीक सा पेस्ट बना लेना है। 10 मिनट हो चुके हैं तो हम अपने चिकन को ले लेते हैं, उनका पानी जो है वो पूरा गिरा देंगे। अगर हमारे पास लेग पीस है तो हम इन पर कट भी लगा सकते हैं। तो मेरी पीस जो बहुत छोटी छोटी थी इसलिए मैंने इसमें कट नहीं लगाया है। सबसे पहले इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 नींबू का जूस और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम मसालों में बनके तैयार हो जाते हैं, तो आप भी इसे एक बार जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। कुछ नया आपको डिफरेंट सा इसका स्वाद लगेगा। तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इनमें हम अब और भी मसालों को ऐड कर देंगे। तो जो हमने पहले पीसा हुआ था हरा मसाला, सबसे पहले हम इसमें इसी को ऐड करेंगे। हरे मसाले को ऐड करने के बाद हमें इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच नमक। तो फ्रेंड्स, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पर चाट मसाला ऐड किया हुआ है, 1 चम्मच हमने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया हुआ है और 1 चम्मच हमने यहाँ पर जीरा पाउडर ऐड किया हुआ है। इन सभी को डालने के बाद हम इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे हमें अच्छी तरीके से क्रश कर लेना है, बारीक कर लेना है। उसके बाद उसको इसमें हमने ऐड कर लेना है और अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास घर की मलाई हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी हमें अच्छी तरीके से इसमें डाल देना है। मैंने इसको पूरा पैकेट यूज़ किया हुआ है। इसके बाद हमें यूज़ कर लेना है 250 ग्राम दही को। दही को लेकिन पहले अच्छी तरीके से आप फेंट लीजिए ताकि उसमें वो टुकड़े टुकड़े ना रहे। अच्छे से फेंटने के बाद ही दही को इसमें ऐड करिएगा। अब इन सभी को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए रख देना है। इन सबको मिक्स करने के बाद एक बार आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक और भी ऐड कर सकते हैं। तो आधा घंटा हो चुका है और अब हमें अपने चिकन को रोस्ट कर लेना है। तो इसे रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन को ले लिया है। तो आधा घंटा हो चुका है तो हमें अपने चिकन को भी रोस्ट करना है। तो इसे रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें ऐड कर दिया है अमूल बटर और ऑयल को। जब ये हमारा गर्म हो जाए तो उसमें हमें अपने चिकन के टुकड़ों को रख देना है। तो फ्रेंड्स, हमें मसालों को रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ चिकन को ही रोस्ट करना है। तो इस तरीके से एक एक करके मैंने सभी अपने चिकन के टुकड़ों को इस पर रख दिया है और अब इसके साइड्स को चेंज करके हमें इसे अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है। एक तरफ से हो चुके हैं तो दूसरी तरफ से भी हमें इस तरीके से पलट कर इसे रोस्ट कर लेना है। तो इसे रोस्ट करने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लग सकते हैं एक साइड से होने के लिए, दोनों साइड को मिला के कम से कम 10 मिनट लग सकते हैं। 10 मिनट में ये बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मेरे जो चिकन है बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं। तो मुझे अब एक बर्तन में इसे निकाल लूंगी। तो आप देख रहे हैं कि इनमें बहुत ही अच्छे ग्रीन मार्क भी आ चुके हैं। तो बस ये हमारा रोस्ट हो चुका है, तो इसे बस हम आप एक बर्तन में निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए चिकन को इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है और चलिए इसी तरीके से हम और भी रोस्ट कर लेते हैं और इसकी ग्रेवी को भी बना लेते हैं। तो मेरा चिकन जो है अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है। तो जो ये तेल बचे हुए हैं उसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम यूज़ कर लेंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई को ले लिया, उसमें अगेन मैंने ऐड किया है अमूल बटर और साथ में जो हमने यहाँ पर ऑयल बचा हुआ था उसको भी डाल देंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। और अगर तेल आपको कम लगे तो इसमें आप तेल को भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये हमारा गर्म हो चुका है तो उसमें ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसालों को। जब हमारा मसाला चटकने लगे तब उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारा मसाला बना हुआ था, ग्रीन मसाला जो हमने पीसा हुआ था, जिसमें हमने मैरिनेट किया हुआ था, उस मसाले को अब इसमें हम डाल देंगे और तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे ताकि जो इसका तेल है वो सरफेस पे आ जाए। मसालों को डालने के बाद हमें इसे ढक देना है और हमारी जो गैस की फ्लेम होगी वो मीडियम टू हाई होगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप देखेंगे 5 से 6 मिनट के बाद कि जो इसका तेल है थोड़ा थोड़ा सरफेस पे आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन खोलकर हम देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो तेल है वो सरफेस पे आने लगा है। और तो अब इस दौरान हम थोड़ा सा और इसे भून लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक और, उसके बाद हम देखेंगे पूरा जो तेल वो सरफेस पे आ चुका है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने रोस्ट किए हुए चिकन को जो हमने भी रोस्ट किया हुआ था।
तो चिकन को ऐड करने के बाद वापस से हमें अच्छी तरीके से मिला देंगे और उसे थोड़ा देर और भी भून लेंगे। वैसे तो जो हमारा चिकन है वो रोस्ट होने पर ही 90% तक कुक हो चुका था और गल भी चुका था, तो बस ये थोड़ा सा देर हमें इसे और पकाना है। तो आप देख रहे हैं मसालों में डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 8-9 मिनट तक और पका लेंगे। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा इसमें आप पानी को भी ऐड कर सकते हैं, वैसे जितना गाढ़ा आपको चाहिए आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो बस 5-6 मिनट और हो चुके हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो चिकन है वो बहुत ही यम्मी सा बनके रेडी हो चुका है और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से स्मेल भी आ रही है और तेल भी एकदम सरफेस पे आ चुका है। तो बस अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए हरी धनिया को बारीक कट करके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो इसे पकाने के बाद आप इसमें कोयले का स्मोक दे सकते हैं। मेरे घर में किसी को पसंद नहीं इसलिए मैंने स्मोक इसमें नहीं दिया है, लेकिन आप इसमें स्मोक दे दीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स, आपका बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही दमदार चिकन अफगानी बनके तैयार हो चुका है। इसे आप गर्मा गर्म नान के साथ या गर्मा गर्म पराठे के साथ इंजॉय करिए। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट भी जरूर से जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।